सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी युवराज सिंह को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल 2019 का सबसे रोमांचक सप्ताह शुरू हो चुका है, साथ ही आपको बता दें कि इस सप्ताह होने वाला हर एक मुकाबला करो या मरो मुकाबला होगा। और ऐसा ही एक और रोमांचक व 31वां मुकाबला मुंबई और बेंगलोर की टीम के बीच में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। आपको बता दें कि इस समय अगर पॉइंट टेबल की बात करी जाए तो मुंबई इंडियंस की टीम चौथे पायदान पर मौजूद है। इस टीम ने 7 में से 4 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरसीबी की टीम तो आखिरी पायदान पर है। इस टीम ने भी 7 मुकाबले खेल लिए हैं, लेकिन अब तक आरसीबी की टीम केवल 1 मुकाबले में ही जीत पाई है। ऐसे में कहीं ना कहीं यह तो आरसीबी की टीम के लिए करो या मरो मुकाबले से कम नहीं। आपको बता दें कि पिछली बार जब मुंबई और आरसीबी की टीम आमने सामने थी तो आरसीबी की टीम को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब आरसीबी की टीम एक भी मुकाबला हारती है तो वह सीधा आईपीएल से बाहर भी हो सकती है। ऐसे में आरसीबी की टीम तो मुंबई की टीम को हराने के लिए ही मैदान पर उतरेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर मुंबई इंडियंस की टीम की बात करी जाए दोस्तों, तो यह टीम जीत कर कहीं ना कहीं अपने विजय रथ को आगे बढ़ाना चाहेगी। और क्योंकि मुकाबला आज मुंबई में खेला जाना है तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस की टीम के पास इस बात की एडवांटेज है कि वो आरसीबी की टीम को अपने घर में तो आसानी से हरा सकती है। साथ ही दोस्तों इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि पिछली हार के बाद रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की टीम में एक बहुत बड़ा बदलाव भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम की हार का कारण बना था उनकी खराब बल्लेबाजी। भले ही मुंबई इंडियंस की टीम ने विरोधी टीम को एक सम्मानजनक लक्ष्य दिया था, लेकिन उस मुकाबले में 15 से 20 या फिर 30 रन और भी ज्यादा लग सकते थे। और अब इसी कमी को पूरा करने के लिए रोहित शर्मा टीम में एक ऐसे खिलाड़ी को शामिल कर सकते हैं जिसको देखने के लिए मैदान पर लोगों की आंखें तरस गई हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यह खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे धुआंदार खिलाड़ियों में से एक रह चुके युवराज सिंह हैं। आपको बता दें कि पिछले कई मुकाबलों में युवराज सिंह नहीं खेल रहे, उसका कारण बताया जा रहा है कि वे अपनी फॉर्म पर लगातार काम कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस सीजन में युवराज सिंह ने मुंबई इंडियंस की टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन ना करके दिखाया हो, लेकिन वह मुंबई की टीम के लिए एक तूफानी पारी तो खेलते हैं, परंतु उस पारी को आगे तक बढ़ा नहीं पाते। वह मुंबई इंडियंस की टीम के लिए एक बेहद लंबी पारी खेलने में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं, और शायद यही वजह है कि रोहित शर्मा चाहते हैं कि युवराज सिंह अपनी फॉर्म पर काम करें। लेकिन अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि युवराज सिंह ने अपनी यह कड़ी प्रैक्टिस पूरी कर ली है, साथ ही वह मुंबई इंडियंस की टीम में वापसी करने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। दोस्तों आपको बता दें कि युवराज सिंह के मुंबई इंडियंस की टीम में वापस आने से कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस की टीम का मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आरसीबी की टीम की सबसे बड़ी कमजोरी तो उनकी बल्लेबाजी ही है। टीम में एबी डिविलियर्स व विराट कोहली के अलावा कोई ढंग से बल्लेबाजी ही नहीं कर पाता, और इसका फायदा कहीं ना कहीं मुंबई की टीम भरपूर रूप से उठाना भी चाहेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पिछले मुकाबले को हारने के बाद भी रोहित शर्मा ने इस बात का जिक्र किया था कि वे अपने बल्लेबाजी क्रम को और मजबूत करना चाहेंगे, जिसका मतलब साफ है कि अगर युवराज सिंह की टीम में वापसी हो जाती है तो बल्लेबाजी क्रम तो अपने आप ही मजबूत हो जाना है। तो चलिए आपको फटाफट से बता देते हैं कि युवराज सिंह की वापसी के साथ क्या हो सकती है इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम के प्लेइंग 11। इस टीम की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे रोहित शर्मा व क्विंटन डीकॉक, तो वही मिडिल ऑर्डर को संभालते हुए दिख सकते हैं ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, युवराज सिंह व हार्दिक पांड्या। साथ ही टीम में तेज गेंदबाज व ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे कायरन पोलार्ड, तो वहीं स्पिन गेंदबाज और ऑलराउंडर रहेंगे कृणाल पांड्या। टीम में आप सभी को एक और स्पिनर गेंदबाज दिख सकते हैं मयंक मार्कंडे के रूप में, तो वहीं तेज गेंदबाजी की कमान रहेगी जोसेफ अल्जारी और जसप्रीत बुमराह के हाथों में। दोस्तों मुंबई की टीम के सभी खिलाड़ी लगभग जबरदस्त फॉर्म में चल रही है, बस अगर युवराज टीम में वापस आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस की टीम का बल्लेबाजी क्रम पहले से दोगुना मजबूत हो जाएगा। लेकिन आप सभी को क्या लगता है इस घमासान मुकाबले के लिए, क्या रोहित शर्मा को युवराज सिंह को टीम में खिलाना चाहिए या नहीं, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और इसी तरह की खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।